सूबे के मुखिया वाराणसी की चंदौली पहुंचे, जहां सीएम योगी ने पड़ाव और टीएफसी में होने वाले कार्यक्रमों की तैयारियों का निरीक्षण किया। इस दौरान पड़ाव स्थित पंडित दीनदयाल स्मृति स्थल में होने वाले कार्यक्रम की रूपरेखा का भी जायजा लिया गया है। साढ़े पांच वर्षों से इस देश की जनता ने आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जब इस सपने को साकार होते हुए देखा है, तो पूरा काशी और पूरा देश गौरव की अनुभूति करता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के इस भव्य स्मारक का लोकार्पण कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से संपन्न होगा। साथ ही काशी से जुड़ी हुई 1200 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण भी यहां पर संपन्न होना है। मैं इसी कार्य का निरीक्षण करने के लिए आया हूं। प्रधानमंत्री आज अपने वाराणसी दौरे पर हैं, ऐसे में पड़ाव स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्थल के यहाँ आएंगे, जहां पर उनका लोकार्पण होना है। बता दें आपको कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्थल 63 फीट ऊंची जो प्रतिमा है, वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जो प्रतिमा भारत में कह सकते हैं विश्व में सबसे बड़ी प्रतिमा कही जा रही है। सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था के भी चाक चौबंद व्यवस्था किए गए हैं, जहां सुरक्षा को लेकर 4 IPS, 4 पुलिस अधीक्षक, 12 एडिशनल SP, 20 CO और 200 सब इंस्पेक्टरों की तैनाती कर दी गई है। तो इस लिहाज से माना जाएगा कि PM की जो सुरक्षा को लेकर तैयारियां चाक चौबंद कर दी गई हैं। वही लगभग 2000 पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगा दी गई है, ताकि किसी भी प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था में कोई चूक ना हो पाए। चंदौली से महेंद्र पटेल, R9TV, उत्तर प्रदेश। तो आज जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं, वहां का जायजा हमारे सहयोगी ले रहे हैं कि किस तरह से व्यवस्थाएं वहां पर की गई हैं। लेकिन उससे पहले सूबे में हलचल है, और इसी को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ कल वाराणसी पहुंचे, जहां पर उन्होंने जायजा लिया, निरीक्षण किया और यहां पर देखा कि क्या सभी काम पूरे कर लिए गए हैं या नहीं। दीनदयाल उपाध्याय की स्मृति स्थल में होने वाले कार्यक्रम की रूपरेखा का भी जायजा यहां पर लिया गया है।